स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल का नाम धर्मेंद्र रावत और मैं हूँ आपका दोस्त और धर्मेंद्र दोस्तों। आज हम बात करने वाले मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेक्कन के बीच खेले गए वीवो IPL 2021 के मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करूँगा, हर छोटी और बारीक जानकारियों को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उस सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। देश में इस समय कोरोना वायरस की जो लहर चल रही है, जो एक भयावह स्थिति से फैल रही है, पर डे नियर अबाउट 3 लाख केसेस आ रहे हैं, तो उस के अंतर्गत देश को संबोधित किया और उन्होंने लोगों को बताया कि इस समय डरने की चाहे भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। और बहुत हद तक सही है क्योंकि देश के अंदर एक तरह का भ्रम फैला हुआ है उन्होंने कि लॉकडाउन किसी भी वक्त लग सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अब लॉकडाउन को देश की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकारों से भी अपील की कि जहाँ तक संभव हो सके लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के रूप में चुने और माइक्रो कंटेनमेंट जोन एरिया बना के कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आज से 6 महीने 8 महीने पहले लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उस समय ना तो हमें बीमारी के बारे में अच्छी तरह कुछ पता था, ना हमारे पे PPE किट, ना इसकी दवाइयाँ, ना इसकी संपूर्ण जानकारी कुछ नहीं था। तो उस समय लॉकडाउन ही एक विकल्प था। लेकिन आज हमारे पास हम मास्क बना रहे हैं, सैनिटाइज़र बना रहे हैं, PPE की कोई कमी नहीं है और कोरोना वायरस के इंजेक्शन भी देश में बहुत हैं। तो अब लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, ये आखिरी विकल्प है जब कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इस समय अफवाहों पे ध्यान ना दें। माननीय श्री मोदी जी ने जो कहा है उसको ही उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करें। मास्क पहने, सैनिटाइज करें, एक दूसरे से दूरी बना के रहें और भ्रम ना फैलाएं, ना ही किसी भ्रम में आए। देश इस समय सही गति से उन्नति कर रहा है, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ भी रहा है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है अपने को सुरक्षित रखने की, अपने आस पड़ोस को सुरक्षित रखने की। हम जितना हो सके खुद की मदद करें, अपने आसपास के लोगों की मदद करें और घबराए ना, पैनिक ना हो। तो आते हैं अपने वीडियो में दोस्तों। आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेक्कन के बीच जो मैच हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था, उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक आपसे छोटी अपील कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया चेन्नई की पिच पर। ये मैच हमेशा से मुंबई की मुंबई का जो बॉलिंग अटैक इस तरीके का है और इस समय रोहित और मुंबई की हर एक टीम को पता कि उनके पास 3 ऐसे अस्त्र हैं, वो बोल्ट है, वो बुमराह है, वो चेयर है, जो आखिरी में अगर 5-6 ओवरों में रन चाहिए बहुत ही कम स्थिति में तो उसे रोक सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने बैटिंग पहले चुना और बैटिंग में रोहित शर्मा वो जिस ख्याति के बल्लेबाज हैं उसके अनुरूप वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। और ये चिंता का विषय है मुंबई इंडियंस के लिए। वो एक स्टार्ट तो उन्हें मिल रहा है 30 रन 35 रन 40, आज के मैच में भी उन्होंने 44 रन बनाया, लेकिन उसको एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। और ये मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि वो अपने स्टार्स को एक लंबी इनिंग में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। डिकॉक भी अपनी पारी, डिकॉक को तो स्टार्ट ही नहीं मिल पा रहा। मैं ये कहूँगा अब तक खेले गए सारे मैचों में डिकॉक का परफॉर्मेंस बहुत निम्न स्तर का रहा है। आज भी वो 0 या 2 रन पे विकेट उन्होंने अपनी गवाई है। तो ये दो बल्लेबाज मुंबई इंडियंस को, इनको शुरुआत करने की, इनको स्टार्ट मिलना, फिर उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना की बहुत ज़रूरत है आगे आने वाले मैचेस के लिए। अभी भी मुंबई इंडियंस के बाकी प्लेयर या उनके बॉलिंग अटैक ने मुंबई इंडियंस को किसी तरह से इस श्रृंखला में जीवित रखा है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का चलना बहुत ज़रूरी है। सूर्य कुमार यादव ने कुछ हद तक इस रन बनाए हैं, उसके बाद आपका सूर्य कुमार यादव ने कुछ रन आपके रोहित शर्मा ने बनाए, और ये कुछ पर बॉलिंग आज दिल्ली डेक्कन की बहुत अच्छी रही। अमित मिश्रा जो शायद सेकंड मैच ही दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं, और आज इस वेटरन बॉलर ने बहुत बड़ी बॉलिंग, बहुत शानदार बॉलिंग की, 4 विकेटें महत्वपूर्ण विकेटें निकाली हैं। और जिस समय मुंबई इंडियंस सेट लग रहा था, जिस समय ऐसा लग रहा था मुंबई इंडियंस यहाँ से स्कोर को बड़ा कर सकती है, उस समय उन्होंने 4 विकेटें पोलार्ड, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इन सबकी विकेटें इन्होंने निकाली। तो जो
जो स्थिति मुंबई इंडियंस एक समय अच्छे स्कोर की तरफ, जहां रोहित और सूर्य कुमार की पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, वहां पे इन्होंने विकेटें निकाली हैं। तो जहां मुंबई इंडियंस अच्छा स्कोर करने जा रही थी, वहां मिश्रा की गेंदबाजी और एक बॉलर और जिसकी मैं हमेशा से चर्चा करता आ रहा हूँ, आवेश खान। आवेश खान ने अपने पोटेंशियल को अभी तक अपनी बॉलिंग को सही दिशा में डाल रहे हैं। आज भी दो विकेटें मिली हैं उन्हें, शानदार गेंदबाजी की है आज भी, और एग्रेसिवनेस, बॉलिंग की सही दिशा, लाइन लेंथ और डेक को हिट करते हैं। सबसे जरूरी विषय ये है, वो एक फास्ट बॉलर की तरह लेंथ को वेरीफाई करते हैं, जहां उन्हें आज भी दो विकेटें मिली। और ऑलराउंडर ललित यादव, जो उन्होंने आज चार ओवर में किफायती 17 रन दिए और एक विकेट ली। तो आज ललित यादव, आवेश खान, अमित मिश्रा और आपके रबाड़ा, इन सभी गेंदबाजों ने दिल्ली की तरफ बड़ी शानदार गेंदबाजी की। मुंबई इंडियंस को 138 रन के स्कोर पर रोक दिया और मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी क्रम चिंता का विषय बनती जा रही है। ईशान किशन की परफॉर्मेंस में शानदार नहीं दिखा पा रहे, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ऑल लीव्स टू परफॉर्म वेल वेल स्टिल दे डजंट हैव देयर बेस्ट, इट्स समटाइम्स इट्स वरी टू मच। लेकिन देखते हैं आगे मुंबई इंडियंस कैसे इन चीज़ों से, इन कठिनाई परिस्थितियों से निकलती है। दिल्ली जैकेट की तरफ से जो बल्लेबाजी क्रम आया, तो आप पृथ्वी शॉ ने थोड़ा बहुत निराश किया, हमेशा की तरह एक अच्छी गाड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा शॉर्ट टर्म पर या अग्रेसिवनेस खेलने के चक्कर में अपने विकेट गंवा देते हैं। लेकिन शिखर धवन ने जो अपना फॉर्म बरकरार रखा है, इंग्लैंड दौरे से अभी तक उनकी फॉर्म काफ़ी हद तक सही तरीके से चल रही है, सही। आज के मैच में मैच की परिस्थितियां जैसी थी, उस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की, स्लो रहे लेकिन एक एंड को पकड़ कर रखा। एक खास बात मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि जब स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने आए, उस समय ट्रेंट बोल्ट ने एक ओवर डाला और वो सारी गेंदें अपनी लेग स्टंप पर, लेग स्टंप की लाइन को पकड़ के डाल रहे थे, या एक आध गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर। और उसके बाद जयंत यादव ने भी गेंदबाजी, तो शुरुआती दो या तीन ओवर जो स्टीव स्मिथ जैसे ही मैं बैटिंग पे आए थे, उस समय के दो या तीन ओवर जो लेग स्टंप और लेग ऑफ स्टंप के बाहर, यानी उनको ईजिली सेट होने दिया। ये मुंबई इंडियंस की बॉलिंग उस समय को समझ में, फील्ड भी उन्होंने 4-3 की ले रखी थी, तीन साइड लेग, तीन फील्डर लेग स्टंप और चार फील्डर ऑफ स्टंप पर फील्डिंग और बॉलिंग शायद क्या करना चाहते थे मैं नहीं बता सकता, लेकिन स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज को T20 में किसी फॉर्मेट में आप उन्हें एक क्रम में एक लाइन और दायरे से बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि आप उन्हें किसी तरीके से संभाल के रखो। चेन्नई की पिच जहाँ ओस है, जहाँ बॉल गीली होने के बाद जो दिक्कतें बॉलर को आ रही थी, कई बार कैरन पोलार्ड अंपायर से अनुरोध करते दिखाई दिए कि बॉल को बदल लिया जाए, बॉल गीली बहुत हो रही है, और एटलीस्ट अंपायर ने उनकी सुनी भी और गेंद बदली। और आपका राहुल चहर ने उसके बाद एक विकेट निकाली और उसके बाद बुमराह ने भी विकेट पंत की निकाली, और जो फिर से मैच सेट हो चुका था, फिर से वही कहानी, ट्रेंट बोल्ट बुमराह के हाथों में आ गए थे कि ये मैच को कितना फंसा सकते हैं। लेकिन आज बुमराह का एक और सेकंड लास्ट ओवर, जो कि दो नो बॉल, मैंने अपने मतलब मैं पिछले एक या दो साल में बुमराह को एक ही ओवर में दो नो बॉल करते हुए मैंने नहीं देखा, और वो एक ऐसी पोजीशन थी जहाँ से मैं कहूँगा मुंबई इंडियंस के हाथों से वो मैच निकल गया। और ट्रेंट बोल्ट ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, लास्ट ओवर में हमेशा की तरह इफेक्टिव रहे, और बहुत आज विकटें नहीं मिली उन्हें उस लास्ट ओवर में, लेकिन बॉलिंग बहुत शानदार थी। एक आध कैच बना सकते थे, वो कैच नहीं बन पाया, लेकिन फिर गेंदबाजी अच्छी रही। लेकिन बुमराह आज थोड़े बहुत निराश कर पाए, विकेट भी वो एक ही ले पाया, लेकिन जो उनको मेन काम इस IPL में 2021 के IPL में इस समय जो पिछले 4 या 5 मैचों से मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि मेन उनका काम हो गया कि आप एक एक ओवर का स्पेल करेंगे, और आपका मेन काम है कि आप रनगति पर ब्रेक लगाएंगे। जो रनगति 10 रन 12 रन प्रति ओवर चल रही है, आपको अपने ओवर में उसे ब्रेक लगाना, प्रेशर बनाना, जिससे अगले ओवर में बल्लेबाज दिक्कत हो और दूसरे बॉलर पर वो विकेट निकाल सके। तो इस तरीके का आज वो काम करने में बुमराह थोड़े से असहज और असफल दिखाई दिए। पर एक बल्लेबाज दिल्ली की तरफ से खेलने आया,
उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा। और उसने पिछले मैच में भी बहुत अच्छे रन बनाए थे और आज के मैच में भी, ललित यादव, मैं कहूँगा मैच सेट किया आपका शिखर धवन, आपका स्टीव स्मिथ, उन्होंने मैच को बनाया बिल्कुल एक एंड पर ला दिया जहाँ से मैच ईजिली जीता जा सकता था। लेकिन अगर किसी बल्लेबाज ने, वाकई अमित मिश्रा ने गेंदबाजी की 138 के स्कोर पे, उनकी बॉलिंग की वजह से मुंबई इंडियंस सिमट गई, लेकिन ललित यादव, इन्होंने जो बल्लेबाजी एक एंड संभाल कर रखा, अगर आज दिल्ली ड्रैगन जीती है तो मेरे हिसाब से ललित यादव की बल्लेबाजी उसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। एक एंड संभाल कर रखा, एक एंड से रन बनाते रहे, प्रेशर में नहीं आए, बोल्ट बुमराह जैसे गेंदबाजों के आगे वो एंड तक खेल, और उन्होंने कहीं भी अपने विवेक को नहीं खोया। विवेक का मतलब धैर्य, उन्होंने अपने विवेक को नहीं खोया और सूझबूझ से बल्लेबाजी करते रहे, एक एक दो दो रन निकालते रहे, और जिससे कि दिल्ली डेक्कन प्रेशर में नहीं आई और इजी मैच जीत गई। जो मैच थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाया गया था, वहाँ एक विकेट भी चली गई होती, ललित यादव की विकेट वहाँ निकल गई होती, बड़ा ही कठिन हो जाता दिल्ली डेक्कन के लिए मैच को जीतना। लेकिन ललित यादव की बल्लेबाजी ठोस, पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, अटैकिंग खेला था पिछला मैच में, उन्होंने अटैकिंग शॉट्स लगाए थे, और आज के मैच में उन्होंने सूझबूझ भरी, समझदारी भरी, तो दोनों ही तरह के क्लास उन्होंने दिखाया। तो ललित यादव ने दोनों ही मैचों में अपनी दो तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है। इसी पिछले मैच में कुछ अटैकिंग खेलते हुए नजर आया, आज के मैच में पूरे कंट्रोल में डिफेंस में सूझबूझ भरी पारी खेली, तो उन्होंने अपनी दोनों ही तरह की शैलियों को दिखाया कि ये वक्त के हिसाब से, समय और परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी कर सकते हैं। और देख के अच्छा लगा कि एक बल्लेबाज, एक ऐसा ऑलराउंडर जो मतलब बल्लेबाजी में पूरे उसी तरीके से बल्लेबाजी करा, मजे में बल्लेबाजी करे, और गेंदबाजी भी चार ओवर में 17 रन लेके एक विकेट निकाले, मुंबई इंडियंस के खिलाफ तो मायने रखते हैं बॉलिंग भी। तो देखना बड़ा ही रोचक होगा कि आगे आने वाले मैचों में ललित यादव किस तरह की गेंदबाजी या बल्लेबाजी दोनों स्तर पर काम करते हैं, और दिल्ली डेक्कन के कैप्टन ऋषभ पंत किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। आज ऋषभ पंत ने थोड़ा निराश किया, पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऐसा बनता है कभी कभार, आप एक अनयूजुअल सा स्ट्रोक्स खेलने के चक्कर में या थोड़ी सी लैब भंग होती है जिसमें विकेट चली जाती है, बट इस पार्ट ऑफ द गेम ऐसा होता है। तो दोस्तों आज के मैच के विश्लेषण मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा ये थे, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करने के लिए आप मेरे सोशल नेटवर्क की साइट पर जो आपकी वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिंक आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सुझाव देना हो, कोई भी क्वेश्चन करना आप मुझसे कर सकते हैं, वो भी आप मेरे सोशल नेटवर्क साइट पे जाकर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर आप लोग बताइएगा, और हाँ दोस्तों खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मेक श्योर बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।